हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। जैसा कि पता है आपको कि हाई कोर्ट से 7,932 वैकेंसीज आई हैं, जिसमें 1,673 पोस्ट प्यून का, ऑर्डरली का है, अर्दली का है, ठीक है, चपरासी या अर्दली का है, जो कि 10th लेवल पे है। यानी कि 10th लेवल पे ये ग्रुप डी का पोस्ट है, क्योंकि इसका पे लेवल 18,000 से 56 लेवल वन की पोस्ट है। ग्रुप डी जो रेलवे में जाते हैं लोग, वो ये 18 वही लेवल वन का पोस्ट होता है। तो ये 18,000 से 56,900 तक है। ये बहुत ही अच्छा जॉब है, ऑफिस में पीउन का जॉब है। जो लोग 10th स्टैंडर्ड पे जॉब करते हैं, तो ये बिहार में जो भी जॉब की बारिश आ रही है, इसमें आप नहा लीजिए और आप अभी से मेहनत करना चालू कीजिएगा। तो इस जॉब में जो इतनी सा वैकेंसी आई है, टीचर की वैकेंसी है, बिहार एसएससी सीजीएल की वैकेंसी है, और वैकेंसी अभी पुलिस की आने वाली है, तो अभी नहीं तो कभी नहीं वाला सिचुएशन बिहार में आ गया। अगर आप बिहार में गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हैं तो अभी से कमर कस लें। तो इसमें हम लोग सारा चीज़ आइए देखते हैं कि डेट क्या होगा, क्वालिफिकेशन क्या होगा, एज लिमिट, रिजर्वेशन, एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा, सिलेबस क्या होगा, आपका सिलेक्शन कैसे होगा, ये सारा चीज़ यहाँ पे हम लोग बात करते हैं। तो आइए दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहला तो 20 तारीख से फॉर्म भराना स्टार्ट होगा, 20 सितंबर से 20 अक्टूबर तक जाएगा। अब इसका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो मिनिमम क्वालिफिकेशन 10th है। अगर कोई बच्चा 10th पास है तो ये फॉर्म भर सकता है। इसमें ना तो उसको कंप्यूटर का नॉलेज चाहिए या कोई सर्टिफिकेट यहाँ पे नहीं चाहिए। तो बाकी सब जो एक वैकेंसी, दो वैकेंसी और तीन है, यानी कि स्टोनोग्राफर की, कलर की, ठीक है, डिपोजिशन राइटर की, ये सब जो वैकेंसी है, इसमें कंप्यूटर की भी आवश्यकता थी और ये सारा वैकेंसी ग्रेजुएशन लेवल का था। ये सारा जो यहाँ पे वैकेंसी है वो 10th स्टैंडर्ड का है। ये जो प्यून की वैकेंसी आई है वो 10th स्टैंडर्ड की है। तो यहाँ पे अब फॉर्म भरते समय एक छोटी सी बात याद रखना है कि ये डिक्लेरेशन जब आप डालिएगा तो ब्लैक पेन से लिख के डालिएगा। जब फॉर्म भराएगा तो हम उस समय डिटेल आपको बताएंगे। इसके बाद फोटो क्या होना चाहिए, लाइट बैकग्राउंड का होना चाहिए और सिग्नेचर हमेशा ब्लैक पेन से कीजिएगा। सिग्नेचर किस पेन से कीजिएगा, ब्लैक पेन से। ये छोटी सी बात आपको याद रखना है। एज लिमिट देख लीजिए, अभी तक जितना भी देखे तो उसमें मिनिमम एज 21 साल था, लेकिन ये 10th स्टैंडर्ड पे वैकेंसी, इसलिए इसका एज लिमिट कितना रखा गया है दोस्तों, 18। और मैक्सिमम वही है 37, 40, 40, 40, यानी कि ओबीसी ईबीसी के लिए 40 और कोई जनरल की फीमेल महिला है तो उसके लिए 40 और एसटी एससी वालों के लिए 42। मिनिमम एज सबके लिए 18 साल है। इसके बाद अगर हम बात करें रिजर्वेशन, तो सबको पता है कि बिहार में 35% महिलाओं का आरक्षण है, तो ये तो मिलेगा ही मिलेगा। फिर ओबीसी, एससी, एसटी, बीसी, अनरिजर्व जो भी आरक्षण जिनको मिलता है, ईडब्ल्यूएस का 10% सबको मिलेगा, तो डिटेल हम एक वीडियो अपलोड करेंगे। अब जनरल में अगर आप कहीं अभी नौकरी करते हैं तो आपको एनओसी वहां से लेना पड़ेगा, क्योंकि फॉर्म भरते समय एनओसी का काम आएगा। तो पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट है इम्पॉर्टेंट कि अगर आप इंटरव्यू देने जाइएगा तो आपको कोई वहाँ पे इंटरव्यू में पैसा वगैरह नहीं मिलेगा। अब ये छोटा डॉक्यूमेंट्स जो चाहिए आपको, सबके पास होना चाहिए, 10th का सर्टिफिकेट, फोटो आइडेंटिटी कार्ड, ये सबके पास होगा ही होगा, ठीक है, कास्ट सर्टिफिकेट, अगर कोई आप छूट लीजिएगा तो वो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, तो ये सबके पास होगा। अब एग्ज़ाम फी कितना लगेगा, तो देखिए 10th स्टैंडर्ड का फॉर्म है इसलिए यहाँ पे 600 रुपया देना पड़ेगा, और एस सी एस टी के कोई कैंडिडेट हैं तो फिजिकली हैंडीकेप वाले को 300 देना पड़ेगा। बाकी जनरल, बी सी, ई बी सी, डब्ल्यू सी, डब्ल्यू ई डब्ल्यू एस, मेल हो या फीमेल हो, सबको 600 रुपये देने पड़ेंगे। अब सेलेक्शन का प्रोसीड्यूर क्या होगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए तो यहाँ पे भी इतने बच्चे फॉर्म भरेंगे ना कि उनको ठीक है प्रिलिमिनरी टेस्ट लेना ही पड़ेगा, ठीक है। और प्रिलिमिनरी टेस्ट जो होगा वो 100 मार्क्स का होगा और ये क्वालिफाइंग नेचर का होगा। इसका सिलेबस क्या होगा, तो जो यहाँ पे उन्होंने सिलेबस बताया है 85 नंबर के लिए, वही सिलेबस यहाँ भी होगा। तो एक बार सिलेबस हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए यही उन्होंने सिलेबस बता रखा है कि हिंदी जो होगा, क्योंकि यहाँ पे इंटरव्यू 15 मार्क्स का है तो 85 नंबर का होने वाला है, तो हिंदी जो है 35 मार्क्स का, इंग्लिश 15 मार्क्स का और मैथमेटिक्स 35 मार्क्स का। तो लगभग इसी तरह का कुछ सिलेबस वो क्या करेंगे, एमसीक्यू पे डाल के प्रिलिमिनरी में दे देंगे। ये सारा स्टैंडर्ड 10th का होगा, 10th स्टैंडर्ड का हिंदी भी रहेगा, इंग्लिश भी रहेगा और मैथमेटिक्स भी रहेगा। तो ये बड़ा अच्छा अपॉर्चुनिटी आपको जॉब लेने के लिए, तो ये प्रिलिमिनरी का समझ गए। अब मेंस में देखिए होगा क्या, तो एक रिटेन टेस्ट होगा जिसमें 85 नंबर का रिटेन टेस्ट होगा, उसमें 30 नंबर आपको लाना जरूरी है, और इंटरव्यू 15 मार्क्स का होगा जिसमें आपको 6 मार्क्स लाना जरूरी है, ठीक है। अगर 6 से कम लाइएगा तो आप पहले ही फेल हो जाइएगा, चाहे आप यहाँ पे 85 ही क्यों ना लेके आए। मान लो कि कोई बच्चा यहाँ पे 80 नंबर लेके आया और इंटरव्यू में वो 5 ही लाया, तब तो इसके 85 मार्क्स हो गए। मार्क्स तो बहुत ज़्यादा है लेकिन ये इंटरव्यू में फेल हो चुका है। तो इंटरव्यू में कम से कम 6 नंबर आपको लाना पड़ेगा और क्वालिफाइंग मार्क्स में 30 नंबर यहाँ पर लाना पड़ेगा।
और इसी पे आपका मेरिट बनेगा, ठीक है। ये जो 100 नंबर है इसी पे आपका मेरिट बनेगा। जो प्रिलिमिनरी टेस्ट होगा वो सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होगा। और फिर तो यहाँ पे पहला पॉइंट क्लियर हो गया। अब अगर हम बात करें कि इंटरव्यू में आपका पूछेगा क्या, मतलब किस क्राइटेरिया से 15 नंबर होगा, वो कहाँ से क्या होगा, तो जनरल अपीयरेंस, आप कैसे अपीयर वहाँ पे हो रहे हैं उसके लिए 2.5 नंबर दिया जाएगा। आपके क्वालिफिकेशन पर 2.5 नंबर दिया जाएगा। आपके पास कोई एक्सपीरियंस होगा तो आपको 2.5 नंबर दिया जाएगा। अब एक्सपीरियंस का मतलब समझिए, ठीक है। आप मान लीजिए कहीं पर पहले से काम करते होंगे तो अब तो वहाँ का कुछ आपका एक्सपीरियंस होगा, जैसे रेलवे ग्रुप डी में कोई काम करता होगा तो उसका अपना एक्सपीरियंस होगा तो यहाँ पे उसको काउंट किया जाएगा। आप मान लो कहीं से पहले कोई ऑफिस वगैरह में काम करते होंगे तो उसका यहाँ पे एक्सपीरियंस काउंट किया जाएगा। या फिर नॉलेज ऑफ जॉब, ठीक है, वो सब आपके पूछा जाएगा वहाँ पे, इसके आधार पे आपको 2.5 नंबर दिया जाएगा, तो टोटल 10 नंबर हो गया। अब एक बात और समझिए कि मान लीजिए कोई बच्चा 30 नंबर नहीं ला पा रहा है, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स था ना यहाँ, कहाँ गया यार, सॉरी सॉरी, ये नंबर, ये 30 नंबर नहीं ला पा रहा है, ठीक है, 85 में 30 नंबर नहीं ला रहा है, तो कह रहा है कुछ स्पेशल लोगों को 10 नंबर हम अपने तरफ से वेटेज देंगे। 10 नंबर वेटेज देंगे, किन को 10 नंबर वो वेटेज देंगे, तो जिनके पास कुछ स्पेशल क्या होगा, वेटेज हु गिवन टू पर्सन हु पोसेस स्पेशल स्किल, जैसे उनके पास कुकिंग का स्किल होगा, और इलेक्ट्रिसियन हो, कारपेंटर हो, ठीक है, बार्बर हो, प्लम्बर हो, गार्डेनर हो, ठीक है, हु हैव नॉट ऑप्टेनिंग क्वालिफाइंग मार्क्स। अगर उनको क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं भी ऑप्टेन किए तब भी उनको 10 नंबर का क्या करेंगे, एक्सपीरियंस दे देंगे। तो अगर आप ये सब एक्स्ट्रा स्किल्स आपके पास होगा तो जब फॉर्म फिल होने लगेगा तो हम वहाँ पे देख के आपको बताएंगे, अगर वहाँ पे ऑप्शन होगा तो आप भर दीजिएगा। जो लोग ITI वगैरह करे होंगे तो इलेक्ट्रिसियन का सर्टिफिकेट उनके पास होगा, कारपेंटर का होगा, प्लम्बर का भी हो सकता है, माली का भी हो सकता है, इत्यादि। अब देखिए जो प्रिलिमिनरी एग्जाम में होगा, ठीक है, वो सिर्फ क्वालिफाई करने के लिए एग्जाम होगा, ठीक है, और जो रिजल्ट बनेगा वो मेरिट एग्जाम, मार्क्स ऑब्टेन इन इंटरव्यू, और जो हम मेंस में एग्जाम में हमारा मार्क्स आएगा, दोनों को जोड़ के फाइनल मेरिट आपका बनेगा। तो ये था टोटल दोस्तों, और ये 20% एक्स्ट्रा वेटिंग लिस्ट दिया जाएगा। तो ये टोटल था ग्रुप डी के बारे में, जो वैकेंसी आई है उसके बारे में जानकारी। तो अगर अच्छा लगा होगा तो ये किसी के साथ आप शेयर कर सकते हैं, और कोई भी अगर इसमें आपको कन्फ्यूजन्स हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, फिर हम आपके साथ नए वीडियो में मिलते हैं, नए उमंग के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।